बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी ने जो भी लिखा अपूर्व लिखा। क्या कहते हैं? बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार। हे पवन कुमार, हे हनुमान जी, मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ और ये बात अच्छी तरह से जानकर कि मैं बुद्धिहीन हूँ। अब देखिए, तुलसीदास जैसी महान विभूति स्वयं को बुद्धिहीन कह रही है, और हम तो सारा दिन ये कहते फिरते हैं कि हमसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं, और तुलसीदास कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा बुद्धिहीन हूँ। क्योंकि राम जी का चरित्र, उनका गुणगान करने के लिए ये साधारण बुद्धि काम नहीं आती। इस बुद्धि से यदि आप राम जी के चरित्र को समझने निकलेंगे तो कुछ हाथ नहीं लगने वाला, आप कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जो बुद्धि से पार के हैं उनको आप इस बुद्धि से कैसे जानिएगा? तो बुद्धि से पार जाना है, तो वो खुद कह रहे हैं तुलसीदास जी, मैं बुद्धिहीन हूँ। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कि मुझे बल दो, बुद्धि दो, बल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना बल के कैसा बल? आत्मिक बल, कोई शरीर का बल नहीं चाहिए, पहलवानों से कुश्ती नहीं लड़नी है, आत्मिक बल वो सबसे अधिक आवश्यक होता है अध्यात्म की यात्रा में। और क्या सबसे बड़ा? कि भीतर का गहरा संकल्प, यदि वो ना हो तो आप अध्यात्म की यात्रा नहीं कर सकते। तो पूरी उसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे। अब विद्या भी दो, क्योंकि बिना विद्या के आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। जो भीतर का गहरा ज्ञान है वो माँ सरस्वती की ही कृपा से होता है। और ये सारी चीज़ें जो तुलसीदास जी मांग रहे हैं ये बियॉन्ड की है, यहाँ की नहीं है। वो कोई ठगी हेरा फेरी करने के लिए कोई विद्या नहीं मांग रहे हैं, वो ऐसी पढ़ाई नहीं मांग रहे हैं कि जिसको पढ़ने के बाद आदमी बेहद चालबाज होकर खूब धोखेबाजियाँ करता है और धनी बन जाता है, ऐसी कोई विद्या नहीं मांग रहे हैं। वो विद्या तो रघुवर भगवान राम के चरित्र का वर्णन करना है, इसके लिए उनको बल भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, सब कुछ शुद्धतम चाहिए। हरहु कलेश विकार, कहते आप हरण कीजिए, किसका? मेरे क्लेशों और विकारों का। वो देख पा रहे हैं तुलसीदास जी कि मैं इतने अधिक विकारों से ग्रस्त हूँ। वो कहते हैं ना, मौसम कौन कुटिल खल कामी। तुलसीदास जी कहते हैं मौसम मेरे समान कुटिल बुरा व्यक्ति, खल दुष्ट और कामी कौन है भला? ये तुलसीदास जी अपने लिए कह रहे हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। जिसको दिखाई देना आरंभ हो जाता है उसे फिर अपने भीतर अवगुण ही अवगुण ज़्यादा दिखते, गुण नहीं दिखते। तो कहते हैं हर हूँ कलेश विकार। अब दुनिया में कितने प्रकार के क्लेश हैं, ये दुनिया संसार ही खुद अपने आप में क्लेश है, हर कदम कदम पर क्लेश बिखरे पड़े हैं। तो उन सारे क्लेशों के रहते हुए मनुष्य कैसे सृजन की यात्रा कर सकता है? तुलसीदास जी लिखने तो बैठे हैं रामचरितमानस, अब कैसे लिखेंगे यदि पूरा दिन व्यक्ति तनाव में हो, क्लेशों में हो, तो उस क्लेश के वशीभूत होकर वो कुछ भी नहीं लिख सकता। तो कहते हैं हर हूँ कलेश विकार, मेरे पहले तो इन चीज़ों को दूर कीजिए। जो चारों तरफ सारा क्लेश किसका होता है? मन का। तो मन को उस मजबूत स्थिति में आप ले आइए कि मैं किन्हीं क्लेशों से प्रभावित ना हूँ। कहते हैं ना, जिस सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, तो सो क्लेश कैसा पावे। दुख क्लेश ही तो सबसे बड़ा दुख है, वो प्राप्ति ना हो मुझे, और सारे विकार मेरे दोष अवगुण वो सब चीज़ों से जब मैं मुक्त हो जाऊंगा तब मैं प्रभु श्री राम का चरित्र लिखने में कुछ सक्षम हो पाऊं। तो इसलिए वो सबसे पहले हनुमान जी से ये विनती कर रहे हैं। तो ये इन दोनों पंक्तियों में
और इससे पहले वाली भी जो आई थी, इन चारों पंक्तियों में उनकी बहुत गहरी अनुनय विनय हनुमान जी से है, क्योंकि हनुमान जी को पहले प्रसन्न करना है, हनुमान जी का हनुमत कृपा प्राप्त होगी तो राम जी से मिलना संभव होगा।